Assalamu alaikum and very good morning to my lovely student. Welcome to my mathematics class, class 1. Now, today I will start students chapter 12, money. अब मैं new lesson आपका start कर रही हूँ, ठीक है? So, money, आप पीछे के picture में देख सकते हो ना, money यानी पैसे. हम लोग money कहाँ पे use करते हैं? We use money to buy the things. हम किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं, आपको कुछ vegetables देने हैं या फिर कुछ chocolates लेने हैं, तो आप लोग money use करते हो ना, yes or no? So first of all students, में money कौन कौन सी होती है वो मैं आपको introduction देती हूँ, right? So let's see. First है coins. हम लोग different types of coins use करते हैं ना, so मैं बारी बारी से आपको coins दिखा रही हूँ. So let's see. फर्स्ट हियर दिस कॉइन इज 25 पैसे. ये कौन सा कॉइन है? 25, जो अभी वर्क अभी हम नहीं देते बट होता है, राइट? एंड दीज आर द डिफरेंट, ये आगे से कैसे दिखता है और पीछे से कैसे दिखता है 25 पैसे का कॉइन, वो मैं आपको आइडेंटिफाई करूँ. कैन यू सी 25 पैसे है स्टूडेंट्स, ओके? एंड द नेक्स्ट इज 50 पैसे. अब ये कौन सा कॉइन है स्टूडेंट्स? 50 पैसे का कॉइन है, ओके? सो जो हम अभी आप शायद नहीं देख पाते पर पहले था 50 पैसे, और ये 50 पैसे के फ्रंट और बैक, मतलब आगे और पीछे का व्यू है. कैन यू आइडेंटिफाई इट? 50 पैसे के दो कॉइन्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, 50 और 50, 100 पैसे, वो जाके 1 रुपी बनता है, अंडरस्टूड? और 25 के ऐसे 4 कॉइन्स होते हैं. नाउ नेक्स्ट ईयर फर्स्ट आप देख सकते हो कौन से रुपीज़ का नो कॉइन है ये. फर्स्ट दिस इज योर 1 रुपी कॉइन. इसका फ्रंट और बैक आगे पीछे से कैसे दिखता है ये तो आप सभी ने देखा है ना, राइट? एंड सो 1 रुपी दिख रहा था इसे. नेक्स्ट इज 2 रुपीज़ कॉइन, देख सकते हो ना 2 रुपीज़ का, उसका भी आगे और पीछे का व्यू दिख रहा है और अच्छे से आइडेंटिफाइड 2 रुपीज़ तो आप सभी ने देखा है ना, ओके? देन नेक्स्ट हियर इट इज़ अ 5 रुपीज़ कॉइन. 5 रुपी का कॉइन भी आप सभी ने देखा है ना, राइट? इसका भी दोनों व्यू डिफरेंट है बट, राइट? सो आफ्टर 5 रुपीज़ कॉइन नेक्स्ट इज 10 रुपीज़ कॉइन्स. 10 रुपीज़ की भी कॉइन सभी ने देखा है ना, उसका भी दोनों व्यू देखा, आगे से कैसे दिखता है और पीछे से. सो कैन यू आइडेंटिफाई द बोथ व्यू? आप सभी ने ये सारे कॉइन्स देखे हैं ना, ओके? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. अब मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडियन रुपीज़ के जो नोट्स हम लोग यूज़ करते हैं ना, नोट्स, अभी तक हमने देखे कॉइन, जो हम कॉइन लिखे थे 1 रुपीज़, 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 2 रुपीज़, 25 पैसे, 50 पैसे. अब हम नोट्स देखते हैं. तो सबसे पहले नोट्स है, ये कौन सी नोट्स है स्टूडेंट्स? येस, इट्स अ 1 रुपी नोट. 1 रुपये की नोट है ना, वो भी डिफरेंट, उसका आगे से कैसे दिखती है और बैक से कैसे दिखती है वो भी दोनों दिख रहे हैं ना व्यू, ओके? नेक्स्ट इज ये कौन कितने रुपीज़ की है? येस, इट्स 2 रुपीज़ नोट्स. ये 2 रुपीज़ की नोट्स है स्टूडेंट्स, और इसके भी दोनों आगे से कैसे दिखती है और पीछे से वो भी दिख रहा है. ये दोनों नोट्स शायद आपने नहीं देखी होगी बट ये वर्क करती है, राइट? ओके, देन ये तो आप सभी ने देखा है, कौन से रुपीज़ की है ये? येस, इट्स 5 रुपीज़ नोट्स. देन नेक्स्ट वन इज 10 रुपीज़ नोट्स, आप सभी ने देखे ना 10 रुपीज़ की नोट्स. आफ्टर दैट दिस वन इज योर 20 रुपीज़ नोट्स. 20 रुपीज़ की नोट्स सभी ने देखी है ना. उसके बाद कौन सी नोट है स्टूडेंट? दिस वन, ये इट्स 50 रुपीज़ नोट्स. किस कौन कितने रुपीज़ की? 50. देन लेट्स सी नेक्स्ट, हियर इट इज़ 100 रुपीज़ नोट्स. कितने रुपीज़ की है स्टूडेंट्स? 100 रुपीज़ की. और उसके बाद नेक्स्ट वाली है 500 रुपीज़ की. कितने की है ये स्टूडेंट्स? 500 रुपीज़ की नोट्स. एंड देन 1000 रुपीज़ नोट्स. स्टूडेंट्स, ये 500 और 1000 की नोट्स अभी बंद हो चुकी है, हम नहीं ले सकते, राइट? यूज़ नहीं कर सकते. अब ये 10 रुपीज़ का भी नई नोट्स आई है, यू कैन सी. इसके बाद 50 रुपीज़ की भी हमने पहले पुरानी वाली जो थी वो भी देखी. अब उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में ये जो है वो नई अभी जो आई है उसकी है 50 रुपीज़ की. इसके भी दोनों दिख रहे हैं ना, आगे से पीछे से सभी ने देखी है. एंड 100 रुपीज़ की भी हमने पुरानी देखी थी, उसकी भी नई अब आ गई है. ये वो पुरानी भी चलती है और ये भी चलती है, ठीक है? तो ये नई 100 रुपीज़ की नोट्स हैं. देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये है 200 रुपीज़. अब तक हमारे पास 200, पहले 200 रुपीज़ की नोट्स नहीं थी, तो अभी आई है ये 200 रुपीज़ की नोट्स.
राइट। उसके बाद 500 की भी हमने पुरानी वाली थी वो बंद हो चुकी है, अब ये वाली वर्क कर रही है। सो ये 500 रुपीज़ की नोट्स है। देन लास्ट विच इज़ 2000 रुपीज़, पहले 2000 की नहीं थी, 1000 की थी स्टूडेंट्स। सो 1000 रुपीज़ की हमने नोट्स जो देखी थी स्टूडेंट्स वो बंद हो चुकी है, अब नहीं वर्क करती। जैसे 500 की भी पुरानी बंद हो चुकी है और देन 2000 की आई है नोट्स, ये अंडरस्टूड। सो मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में सारी कॉइन्स और नोट्स जो पहले भी थे अभी अवेलेबल है, सारे नए पुराने सब कुछ दिखाए, आपको अच्छे से समझ में आ गई सारी नोट्स एंड कॉइन्स कौन कितने रुपीज़ की होती है, कितने रुपीज़ की नहीं होती है। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अब हम मनी के रिलेटेड टेक्स्ट बुक में वर्क करते हैं, टेक्स्ट बुक के रिलेटेड। सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, इन योर टेक्स्ट बुक्स चैप्टर 12 मनी पेज नंबर 124 पे सबसे पहले, जैसे मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन किया वैसे यहाँ पे 1 रुपीज़ का कॉइन दिया है, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, सभी के फ्रंट और बैक दिए हैं, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो 124 पे, राइट स्टूडेंट्स। एंड इन द नेक्स्ट पेज, अब नेक्स्ट पेज 125 पे आपको ये सारी करेंसी नोट्स जो दी है वो, राइट, कि ये किस कितने रुपीज़ की है, 5 रुपीज़ की, 10 रुपीज़ की, 20 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ की और 100 रुपीज़ की। जैसे मैंने अभी आपको सारी नोट्स जो अवेलेबल हैं इंडियन रुपीज़ की वो सारी दिखाई, ठीक है। तो आपको इंट्रोडक्शन अंडरस्टूड समझ में आ गया। ओके नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 126 पे दिया है डैट मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पे दिया है, ये आप देख सकते हो, आप 26 पे देखो कि टेक्स्ट बुक, चलो आपको भी टेक्स्ट बुक ये ओपन करनी है पेज नंबर 126, बिकॉज ये वाला वर्क हमें करना है, इसके अंदर ड्रॉ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़ के कॉइन के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने हैं, आप चाहो तो रिपीट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, हियर आई एम हैविंग 1 रुपीज़ कॉइन एंड 2 रुपीज़ कॉइन। तो आपको ये दोनों को यूज़ करके ये जो रुपीज़ दिए वो हमें बनाने हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 रुपी। तो 1 रुपी के लिए कौन सा कॉइन यूज़ होगा, रुपीज़ 1 वाला कॉइन या 2 रुपीज़ वाला कॉइन, कौन सा कॉइन हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, एनी गैसेस? यस, वी विल यूज़ 1 कॉइन ऑफ 1 रुपी। तो हमें यहाँ पे ऐसे आप कॉइन्स को आप ऐसे ट्रेस कर सकते हो, सी आई एम ट्रेसिंग, सो यू हैव टू पुट लाइक दिस, यू कैन ट्रेस लाइक दिस, आप अच्छे से इसको ट्रेस करके कॉइन हो गया ड्रॉ, एंड देन यू कैन इन द इन इट यू हैव टू राइट डाउन इट, ये रुपीज़ का सिंबल एंड 1, अंडरस्टूड। आपको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना है 1 रुपी के लिए रुपीज़ 1। सो मैंने जैसे कॉइन ट्रेस किया आपको वैसे ट्रेस करना है, एंड इन इट ये रुपीज़ का सिंबल है स्टूडेंट्स। हाउ यू हैव टू ड्रॉ, यू हैव टू ड्रॉ फर्स्ट लाइन लाइक दिस, देन लाइक दिस एंड दिस, सो दिस इज़ द सिंबल ऑफ रुपीज़, अंडरस्टूड। ओके देन नेक्स्ट इज 2 रुपीज़। अब 2 रुपीज़ के लिए हमें कौन सा कॉइन चाहिए स्टूडेंट्स, अगर मैं 1 रुपी का ही कॉइन यूज़ करूँगी तो मेरे पे आई यूज़ 1 कॉइन ऑफ 1 रुपीज़ एंड 1 मोर कॉइन ऑफ 1 रुपीज़, तो मुझे 2 रुपीज़ मिल जाएंगे, 1 + 1 = 2 हो जाएगा, मीन्स आई रिक्वायर 2 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़। सो डेट आई एम ट्रेसिंग स्टूडेंट्स, लेट्स सी, जैसे आपको मैंने बताया था 1 कॉइन एंड द अनदर 1, ओके सो देन यू हैव टू मैंशन रुपीज़ 1, ओके। अब 2 रुपीज़ के लिए ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, अब यहाँ पे अगेन 2 रुपीज़ गिवन, दिख रहा है ना, 2 रुपीज़ दिए हैं, तो उसके लिए आप कौन सा यूज़ करेंगे, तो हमारे पास ये 2 रुपीज़ का कॉइन है ना, वी विल यूज़ 1 कॉइन, एक ही कॉइन यूज़ करेंगे तो 2 रुपीज़ इक्वल हो जाएगा ना, सो डेट आई एम ट्रेसिंग सी, एंड इन इट यू हैव टू राइट डाउन इट रुपीज़ 2, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज समझ में आ रही है ना, ईजी है। ओके आफ्टर डैट अब हमारे पास है नेक्स्ट इज
3 rupees. अब नेक्स्ट क्या दिया है स्टूडेंट्स, 3 rupees. अब हमें कितने रुपीस बनाने हैं, 3. तो सबसे पहले जैसे हम 1 rupees का कॉइन यूज़ करते हैं, वही यूज़ करते हैं 1 1. सो 1 + 1 हाउ मच आई हैव, 2 rupees. हमें चाहिए कितने, 3 rupees. और हमें और कितना कॉइन यूज़ करना पड़ेगा, 1 more coin of 1 rupees वी कैन यूज़. हियर यू कैन सी, सो 1 + 1 2, 2 + 1 3. सो 3 rupees डन. सो दैट आई एम प्रेसिंग सी. आपको भी ये ड्रॉ करना है बुक में स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू ऑल्सो ट्रेस इट लाइक दिस. जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, तीनों कॉइन को ट्रेस करना है ऐसे. हेयर इट इज. एंड देन हमने 1 1 rupees के 3 coin, सो rupees 1 rupees 1 and rupees 1, दैट यू हैव टू मैंशन. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है अगेन वी हैव अ 3 rupees coin. तभी 3 rupees के लिए हमें वापस से जैसे हमने 1 1 rupees के कॉइन यूज़ किए, डिफरेंट कुछ अलग कॉम्बिनेशन यूज़ करना है. तो उसके लिए हम 2 rupees का, जैसे हमारे पास 1 और 2 के यूज़ दिखाए थे, तो उसके लिए हम 2 rupees का कॉइन यूज़ कर सकते हैं. तो इफ़ आई टेक 1 coin of 2 rupees, मेरे पास अब कितने रुपीस हो गए, 2 rupees. मुझे चाहिए कितने, 3 rupees. तो अब 2 हो गए, तो और मुझे कितने अभी और चाहिए स्टूडेंट्स, येस आई रिक्वायर 1 more coin, यानी 1 coin चाहिए मुझे सिर्फ 1 rupees का, राइट. सो डैट यू हैव टू ट्रेस. लाइक दिस. सो मैंने ये 2 rupees का हो गया एंड 1 rupee coin. ओके, सो दिस 1 2 rupees, सो यू हैव टू मेंशन rupees 2, एंड दिस 1 1, सो यू हैव टू मेंशन 1. सो स्टूडेंट्स, आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 126 के ऊपर ये सब मैंने ड्रॉ किया है कि 1 rupee के लिए मुझे 1 rupee का 1 coin चाहिए, तो मैंने ड्रॉ किया है. तो आपको भी टेक्स्ट बुक में जैसे मैंने दिखाया था 1 rupees पुट करके ऐसे ड्रेस करना है, वैसे. और 2 rupees के लिए हमें 1 1 rupees के 2 coins चाहिए. 2 rupees का अगर डिफरेंट कोई कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, मीन्स हमें 2 rupees का 1 coin चाहिए, राइट. वो भी हमें ट्रेस करके ऐसे ड्रॉ करना है. देन फॉर 3 rupees हमने 3 rupees के लिए भी हमें 2 combination दी है. तो सबसे पहले हमने 1 1 rupees के 3 coin लिए, एंड फिर हमने 2 और 1 को यूज़ करके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए, यानी 2 rupees का 1 coin और 1 rupees का 1 coin करके हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया. सो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, पेज नंबर 126 पे आपको ये वाला, जैसे मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया, ये आपको अंदर ड्रॉ करना है. अंडरस्टूड, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो दिए हैं उसके लिए हमें, हमने पहले से 1 rupees और 2 rupees, ये 1 rupees और 2 rupees के कॉम्बिनेशन को ही डिफरेंट यानी रिपीट करके रुपीस बनाए थे. अब हमारे पास हमें एक्स्ट्रा भी दिया है कि हम 1 rupees का भी यूज़ कर सकते हैं, 2 rupees का भी, और हम यूज़ कर सकते हैं 5 rupees का. ये 5 rupees का कॉइन है जो हम यूज़ कर सकते. अब हमें इसके लिए 1 rupee का, 2 rupee का और 5 rupee का यूज़ करना है टू मेक अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन. ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले है 4 rupees. अब 4 rupees के लिए हमें यूज़ करना है, तो अगर हम 1 rupee का कॉइन यूज़ करके देखते हैं पहले. सो यर एम हैविंग 1 coin of 1 rupees, सो 1 1 more आई एम हैविंग, सो 2 rupees, 3 rupees एंड 4 rupees. सो यर आई एम हैविंग 4 rupees, तो मुझे यहाँ पे 4 rupees के ऐसे 1 1 rupees के 4 coins ड्रॉ करने हैं. सो जैसे मैंने दिखाया था आपको, यहाँ 1 rupee का ऐसे कॉइन पुट करना है, ड्रेस इट लाइक दिस. तो ऐसे ही आपको ये चारों को भी ट्रेस करना है. सो दैट आई एम शोइंग यू स्टूडेंट्स, लेट्स सी. सो स्टूडेंट्स, मैंने 4 coins ड्रॉ कर दिए, ट्रेस कर दिए. उसके अंदर आपको अच्छे से ऐसे रुपीज़ 1
₹1 एंड ₹1 मेंशन करना है. ओके स्टूडेंट्स, अब हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ करना है सेम 4 रुपीज़ के लिए. तो आप देख सकते हो ये 1 रुपीज़ के 2 कॉइन की जगह पे मैं 1 कॉइन यूज़ कर सकती हूँ ऐसे 2 रुपीज़ का, और ये 2 रुपीज़ एज इट इज़ यानी 1. सो 2 कॉइन 2 रुपीज़ कॉइन 2 रुपीज़ प्लस 1 मीन्स 3 रुपीज़ एंड 1 मोर ऑफ 1 रुपीज़ मीन्स 4 रुपीज़ हो गए. सो दैट आई एम ट्रेसिंग एंड शोइंग यू, लेट्स सी. सो हियर आई ट्रेस स्टूडेंट्स. पहले मैंने 2 रुपीज़ को यहाँ पर ट्रेस किया. सो आपको मैंशन करना है ₹2. उसके बाद मैंने ये 1 रुपीज़ को, सो ₹1 एंड देन ₹1. सो हो गए ना 2 + 1 = 3 एंड 3 + 1 = 4. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. उसके बाद स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट है 4 रुपीज़ का. अगेन अब हमें दूसरा कॉम्बिनेशन यूज़ करना है. तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने ये 1 रुपीज़ के लिए 1 2 रुपीज़ का कॉइन यूज़ किया था, वैसे ही अब हमारे पास ये जो 2 रुपये 1 रुपीज़ के हैं उसके जगह भी हम 2 रुपीज़ का यूज़ कर सकते हैं ना. यानी आई यूज़ 1 कॉइन ऑफ 2 रुपीज़ एंड 1 मोर कॉइन ऑफ 2 रुपीज़. सो 2 + 2 = 4. येस और नो स्टूडेंट्स, यानी मैं 2 कॉइन यूज़ करूँगी 2 2 रुपीज़ के. सो मैं ट्रेस करूँगी दोनों कॉइन्स को लाइक दिस, 1 कॉइन एंड अनदर 1. सो अंडरस्टूड, हमने कितने रुपीज़ का ट्रेस किया, 2 रुपीज़ का. सो ₹2 एंड ₹2. सो 2 + 2 ₹4 डन. सो स्टूडेंट्स, हमने 4 रुपीज़ के कॉम्बिनेशन बनाए. अब नेक्स्ट ये वाला जो है, सो इंशाल्लाह आई शो यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. ओके स्टूडेंट्स, सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मैंने अभी आपको सिखाया, जैसे मैंने बोला यहाँ तक मैंने दिखाया है, तो यहाँ तक आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है. जैसे मैंने दिखाया वैसे ही आपको ड्रॉ करना है. आप चाहो तो कुछ डिफरेंट अगर कोई कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे कंडीशन दी है कि आप 1 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का और 5 रुपीज़ का ही कॉइन यूज़ कर सकते हो. इसके अगले वाले पेज में हमने देखा था हम 1 रुपीज़ का और 2 रुपीज़ का ही कॉइन यूज़ कर सकते हैं. तो जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे आपको यूज़ करके करना है, राइट. सो उसके बाद नेक्स्ट वाला इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.